हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे हाथों में जो है DD25 इंजेक्शन है जो ब्लिस्टर पैक में आता है। इसके अंदर एक ही एम्पूल है जो 1 ml की एम्पूल आता है और इसकी प्राइस की बात करें तो 163 रुपया है, लेकिन आपको बहुत ही सस्ते में ही मिल जाएगा क्योंकि एक जेनरिक मेडिसिन है। और इसके अंदर जो है नेंड्रोलोन डीकेनोएट जो है 25 मिलीग्राम मिल जाएगा, 25 मिलीग्राम मिल जाएगा। इसके 50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में भी जो है एम्पूल आता है। इसके यूज की बात करें कि किन किन बीमारियों में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए यह इसका इस्तेमाल जो है कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। ये जो है मसल को गेन करता है, ग्रोथ करता है, आपकी मसल को बढ़ाता है। बॉडी बिल्डिंग में भी जो है इसका इस्तेमाल जो है बॉडी बिल्डर्स करते हैं। या शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, भूख लगाता है। यदि जो है भूख नहीं लग रहा है तो इसको यूज करने से भूख भी लगता है। रोग के कारण भी अगर आपके बॉडी में कमजोरी हो या किसी भी कारण से खून की कमी के कारण, एनेमिया के कारण कमजोरी हो, उन सभी कंडीशन में जो है DD इंजेक्शन दिया जाता है, बहुत ही अच्छा फायदा करता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो तो उसमें भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हड्डियां खोखली हो जाती है। और ये ज्यादातर महिलाओं में होता है जो मेनोपॉज के कारण जो है मेनोपॉज के बाद ये स्थिति हो जाती है, जिससे महिलाओं की बोन जो है नाजुक हो जाती है, हड्डियां नाजुक और कमजोर हो जाती है और थोड़े से ही भार या खिंचाव या झटके से जो है फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। तो उन सभी को जो है ठीक करने के लिए जो है नेंड्रोलोन डीकेनोएट इंजेक्शन लिया जा सकता है, DD इंजेक्शन लिया जा सकता है। इसका इस्तेमाल महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की समस्या में भी जो किया जाता है, या भूख नहीं लगता हो, या एक्सीडेंट के कारण जो है आपकी बॉडी में कमजोरी आ गया हो, या खिलाड़ियों की क्षमता बढ़ाने के लिए वेट गेनर जो होते हैं, बॉडी बिल्डर जो होते हैं, उसको वो भी इसको यूज करते हैं अपने मसल गेन करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग में लेते हैं। इसके अलावा बोल सकते हैं मतलब किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, थकान रहता है, तो उन कंडीशन में जो है DD इंजेक्शन लिया जाता है। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है ये 25 मिलीग्राम की भी जो है एम्पूल आती है और 50 मिलीग्राम की एम्पूल आती है। तो 25 मिलीग्राम कम से कम 25 मिलीग्राम लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 50 मिलीग्राम ले सकते हैं। और इसे सप्ताह में एक एम्पूल लेना है, यानी इस एक एम्पूल को एक सप्ताह में एक बार ही लेना है, यानी 7 दिन में एक बार लेना है, 8वां दिन जो है नेक्स्ट फिर से ले सकते हैं। और इसे खाना खाने के बाद ही लेना है। और इसे याद रखना है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 ही यूज करना है, यानी 4 से 5 सप्ताह तक यूज करना है। 4-5 DD इंजेक्शन ही यूज करिए, इससे ज़्यादा यूज ना करिए। इसे बात करें कि किस रूट से देना है, तो इसको ओनली फॉर इंट्रामस्कुलर ही देना है, यानी IM ही देना है, IM रूट से देना है, मांसपेशियों में ही हमेशा देना है, ये बात याद रखिए। तो फ्रेंड्स, ये था DD इंजेक्शन की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी का भी काम आ सके।